हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी स्टॉक एडवाइस पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गेल इंडिया के बारे में। देखिए, 85 रुपीज के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अगर हम देखने जाए तो शेयर टूट के बिखर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा संभलता हुआ भी शेयर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में हम बातचीत जरूर करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में इस शेयर में खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेल इंडिया 85 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो 6.5% की गिरावट यहाँ पर जरूर है। 92 रुपीज तक का हाई है, और आप देखिए गिरावट आई 82 रुपीज तक गया, फिर तेजी आई 88 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई 84 तक गया। अब थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। एक साल में 35% की गिरावट है। 140 रुपए के लेवल से शायद टूट के नीचे आया था। कोरोना के दौरान 70 रुपए से भी नीचे शायद टूट गया, बाद में बढ़िया रिकवरी आई थी, 100 रुपए से भी ऊपर शायद निकल गया। लेकिन पिछले 2-3 महीने से ये शेयर भयंकर गिरावट की चपेट में आ चुका है और संभलने का नाम तक नहीं ले रहा है। जहां पे मार्केट रिकवर कर रहा है, वैसे में गेल इंडिया के शेयर में कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है। पिछले 3 साल की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में 49% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। आप देखिए, तकरीबन तकरीबन 200 रुपए तक के लेवल से टूट के शेयर नीचे आया है, और पेंडेमिक ने इसकी हालत को और ज्यादा खराब कर दिया है। पिछले 10 साल में अगर हम देखें गेल इंडिया का जो शेयर है, 10 साल में 38% की गिरावट है। 200 रुपए तक का हाई है और 70 रुपए तक का लो है, और वो भी इसी पेंडेमिक में बना है। अगर मैं आपको कह दूं, चार्ट देख के एक चीज तो क्लियर है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप 5 या 10 साल के निवेश का प्लान बनाए। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट में आने पर आप पोजिशन बनाते हैं और प्रॉफिट होने पर यहां से एग्जिट भी कर जाते हैं। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के बारे में यहां पर सोचना नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 5-10 साल है, 1-2 साल का जरूर आप यहाँ पर सोच सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, तकरीबन 38,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखिए तो 1.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है, यहाँ पर गवर्नमेंट है। 52.10% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईआई के पास 15.61% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 11.26% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.71% जितनी एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल देखें तो एफआईआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग है, और प्रमोटर के पास मतलब सरकार के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग यहां पर देखने को मिली है। जैसे कि मैंने कहा कि सरकार के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, प्रमोटर सरकार है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है। 51.76% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 32 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 586 जितने एफआईआईएस ने भी यहां पर अपना पैसा लगाया हुआ है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है 5.80% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.94% के आसपास देखने को मिल रही है। और देखिए, डिविडेंड बहुत अच्छा पे कर रहा है। जितनी भी सरकारी ऑयल कंपनियां हैं, जितनी भी सरकारी गैस कंपनियां हैं, चाहे वो गेल हो जाए, इंडियन ऑयल हो जाए, ओएनजीसी हो जाए, ये कंपनियां डिविडेंड बहुत अच्छा पे करती है। 64% का डिविडेंड पे किया है, मतलब पर शेयर 6.40 रुपए का डिविडेंड यहां पर आपको मिला है, और ये बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं आपको गेल को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिली है, और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 50-50 कह सकते हैं, ना उतना अच्छा है ना उतना बुरा है, एवरेज वैल्यूएशन कह सकते हैं। 6.96 का पी है इसका, जबकि इंडस्ट्री पी 5.96 के आसपास देखने को मिला है। बुक वैल्यू 96 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.88 है, ईपीएस 12.31 और डिलीवरी 34 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। मतलब मेजोरिटी ऑफ पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, उनकी खरीदारी करने की सलाह है। उसके अलावा अगर हम देखें तो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने भी काफी अच्छे टारगेट प्राइस दिए हुए हैं। अगर हम डोलेट कैपिटल की बात करें तो 113 रुपए का टारगेट प्राइस है, अप्रीमेंट करने की सलाह है यहाँ पर। उसके अलावा एक और बड़ा ब्रोकरेज हाउस है जिसके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊं
तो एमकी ग्लोबल ने भी खरीदारी करने की सलाह दी है गेन में, और 130 रुपए का टारगेट प्राइस है। और तो और मोतीलाल ओसवाल ने भी काफी बढ़िया टारगेट प्राइस दिया है, और 150 रुपए का टारगेट प्राइस है। खरीदारी करने की सलाह मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी यहां पर दी गई है। हाल फिलहाल में जो नई पॉलिसीज बन रही है वो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए काफी अच्छी है, और गेल के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है आने वाले दिनों में। उसके अलावा इस कंपनी ने हर क्वार्टर में अच्छा खासा पैसा कमाया है, नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जून क्वार्टर में बहुत ही कम मुनाफा हुआ है, 190 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट हुआ है, जो हालांकि कम है क्योंकि इससे पहले कंपनी 4155 करोड़, 1015 करोड़, 850 करोड़, 1250 करोड़ तक के बड़े बड़े प्रॉफिट कमा चुकी है। तो इसकी कंपैरिजन में जब 190 करोड़ का मुनाफा है जून में तो डेफिनेटली वो कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सितंबर क्वार्टर में उसकी भरपाई हो जाएगी। सितंबर क्वार्टर में एक अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे, एटलीस्ट काफी दमदार, इसलिए जून से तो बेहतर नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं। शेयर होल्डिंग के बारे में जैसे कि मैंने कहा, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर एफएल्स म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी यहां पर ओन करती है, और उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। ओवरऑल गेल इंडिया के बारे में मैं बात करूं तो देखिए, अगेन मैं कह दूं, अगर आप में पेशेंस हो कम से कम एक महीने तक रुकने का, तो ही आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो हैं वो इससे दूर रहे, क्योंकि ये काफी स्लो मूव करता है, ये जो शेयर है ना ये काफी 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 स्लो मूव करता है। 1-2 महीने में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, इसको वक्त लगेगा रिकवर करने में, और जब तक वक्त लगेगा डेफिनेटली आपको इसको वक्त देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि हाल फिलहाल में गेल इंडिया में आप तभी निवेश करें जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको 1-1.5 साल का निवेश यहां पर करना ही, 1-1.5 साल तक आपको रुकना है यहां पर, तो ही आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। दूसरी चीज, खरीदारी अगर आप करते भी हो तो एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, फिर वेट करो, गिरावट आए तब थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, लेकिन एक ही प्राइस से बहुत सारे शेयर्स खरीदोगे तो गिरावट आने पर आप एवरेजिंग नहीं कर पाओगे यहाँ पर। तो ये सोच के खरीदारी करो कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करना पड़ेगा, एवरेजिंग आपको करना होगा यहाँ पर, तो ही यहाँ पर बेहतर होगा। तो गेल में अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल का है तो ही निवेश करें, और टुकड़ों में निवेश करें, एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लीजिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, 1-2 महीने के निवेश का प्लान हो तो अवॉइड करें, 1-1.5 साल का प्लान हो तो जरूर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप बाइंग कर सकते हो। खरीदारी की हो तो सेम चीज है, रुक सकते हो तो रुक जाओ, अगर नहीं रुक सकते तो उछाल मिले तो एग्जिट भी कर सकते हो। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। गेल इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।